अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको किसी के लिए अलग किस्म की चीज़ें बनानी हो तो आप ये रेसिपी एक मरतबा उनके लिए ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे से बन भी जाती है। इसका जो ब्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी था। अगर आप इसे एक बार घर पे बनाओगे ना तो बेकरी से लाना भूल जाओगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसकी जो फीलिंग थी ना वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी थी। हालांकि मैंने इसमें ना चीज़ का यूज़ किया है और ना ही क्रीम का यूज़ किया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसे हम बन शेप भी देंगे और एक अलग से डिज़ाइन जो मैंने आपको दिखाया था वो भी हम इसको बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेना है बाउल। बाउल में हम डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदा को छान लिया है, ये मेन इम्पोर्टेंट स्टेप है, मैदा को बिना छाने यूज़ ना करिएगा। तो 1.5 कप यहाँ पर हम मैदा का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है चीनी का। तो यहाँ पर मैंने पाउडर चीनी यूज़ किया है, तो 1.5 टेबल स्पून भर के यहाँ पर पाउडर चीनी का यूज़ करना है। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। फिर हमें इसमें यीस्ट डालना है, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून का यूज़ किया है। तो आप इसी मेजरमेंट से करिएगा तो आपका डो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लुकवॉर्म वाटर का यूज़ किया है, मतलब कि गर्म पानी थोड़ा होना चाहिए, उसी से हमें इसे अच्छी तरीके से गूँध लेना है। इसकी जो डो रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, तभी हमारा जो ब्रेड है, हमारा जो पाव है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, एक साथ हम डाल देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें इसमें पानी अपने अंदाज से थोड़ा थोड़ा सा डालना है ताकि इसकी जो डो शेप में हम इसको ले आए और वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के तेल डालेंगे। तो आप चाहे तो इसके बदले बटर भी यूज़ कर सकते हो ताकि इसका जो चिपचिपापन है वो थोड़ा सा हट जाए। तो बस इसको गूंद लेना है अच्छे से, तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छी तरीके से इसकी गुनाई कर लेनी है। ये देखिए इसी तरीके से हमें डो एकदम सॉफ्ट और इसमें जो चिपचिपापन है वो अच्छी तरीके से निकल जाता है। ये तभी निकलता है जब हम इसको अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए। यहाँ पर हम अपनी दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेना है एक पैन। पैन में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल और 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पर बटर का यूज़ करेंगे। एक बात का आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कम से कम क्वांटिटी में तेल या बटर का यूज़ करिएगा क्योंकि ये फिलिंग है, लीकेज होने के चांसेस होते हैं ब्रेड में से। फिर हम यहाँ पर डालेंगे 2 कप भर के प्याज, एकदम फाइन चॉप मैंने यहाँ पर प्याज का यूज़ किया है, तो 2 कप भर के हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऑयल और बटर हमने इसमें डाला है वो प्याज में अच्छी तरीके से लग जाए। तो बस इसको मिक्स करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च का यूज़ किया है और 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तब तक ही इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसमें जो अदरक लहसुन हमने डाला है उसकी जो कच्चापन है वो रिमूव हो जाए। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जो हमारी प्याज है वो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 कप भर के शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लिया था, उसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप भर के श्रेडेड चिकन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने इसके रेस से निकाल लिए। तो इस तरीके से ये श्रेडेड चिकन रेडी हो जाता है। तो इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाला डालेंगे। एक
चम्मच नमक, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, फिर भी आप चाहे तो कोशिश करिएगा यहाँ कम नमक का यूज़ करना है। एक चम्मच भर के हम यहाँ पर काली मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर एक चम्मच भर के मैदा डालेंगे और फिर वापस से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान देना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ऐसा ना हो कि मैदा एक साइड रह जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये मिक्स हो गया है अच्छे से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक कप भर के मिल्क, इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो इसको डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से कुक करना है अभी इस टाइम पे। तब तक ही करना है ताकि ये जो हमने मिल्क इसमें शामिल किया है वो पूरा इसमें घुल ना जाए, या तो फिर बाद में हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो इसको बस मिक्स करते जाइए। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने मिल्क डाला था वो अच्छी तरीके से इसमें घुल गया है, मतलब जो हमारा चिकन है, हमारा जो फिलिंग है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है। तो बस ऐसी फिलिंग हमें इसमें चाहिए। तब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे इस टाइम पे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप मेयोनीज़। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लगेगा। इसमें ना हमें चीज़ डालना है और ना ही और क्रीम डालना है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेयोनीज़ से ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो मेयोनीज़ को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। जब भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए तो हमें इसे साइड पे रख देना है और इसको ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 घंटे हो गए हैं। तो 2 घंटे बाद मैंने जब लिड को ओपन किया तो ये अच्छी तरीके से राइज हो गए थे। तो बस इसी तरीके से हमें इसे राइज करना था। अब आप इसको थोड़ा सा पंच कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स है वो थोड़ा सा रिमूव हो जाए। तो आप ये साइड पर से देख सकते हो इसमें कितनी अच्छी जालियाँ बनी है। तो बस इसी तरीके से हमें डो चाहिए थी, इसको अब हम अच्छे से निकाल लेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, उसके बाद इसको निकालना, नहीं तो हाथ में थोड़ा चिपकने लगेगा। फिर हम काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अपनी डो को इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर बन आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो, मतलब कि जितने भी साइज़ में आपको बन चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हो। तो टोटल मेरे यहाँ पर 8 बन बने थे। तो इसे हम अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसके थोड़े से पैर बना लेंगे इस तरीके से। और हाथ से आप देख सकते हो वीडियो में जिस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी फोल्ड कर लेना है। तो बस ये देखिए ये रेडी है। अब हम इसे बेल लेंगे प्लेटफॉर्म पर लेके। तो इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, तो थोड़ा सा बस बेल लेंगे इसको, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से बेल लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें 2 चम्मच भर के चिकन की फिलिंग डाल देंगे। ओवर फिलिंग नहीं करनी है, नहीं तो ये बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। तो जितना इसमें आ सके उतना ही इसमें डालना है। फिर इस हिसाब से इसको निकाल के, मतलब कि फोल्ड कर लेना है अच्छे से ऊपर से, एक पेड़ा शेप लेना है इसको ऊपर से। तो ये देखिए इस तरीके से कर लेना है, इसको पूरा पैक कर लेना है ऊपर से ताकि इसमें से जो फिलिंग है वो निकल ना सके। तो बस इस तरीके से पूरा पैक कर लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको कर लेना है। एक ट्रे ले लेंगे, उस पर आप बटर या ऑयल से ग्रीस कर लो, उसके ऊपर हम ये अपना बन रख देंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे बन्स बना लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से रख देंगे 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए। तो इसको कवर करके रख देना है ताकि ये इसके साइज़ में थोड़ा डबल ना हो जाए।
तो ये देखिए 15 मिनट बाद ये अच्छी तरीके से बन राइज हो गया है। तो अब हम इसमें ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो दूध से भी ग्रीस कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पीली जल्दी का यूज़ किया है, इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसको अच्छी तरीके से सारे बन में ग्रीस कर लेंगे। फिर ऊपर से हम तिल्ली को रख देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप रखिए, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। पर रखने से इसका टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं रहता, पर लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको थोड़ा सा हम इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। फिर हम इसे बेक कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गैस पे भी 30-35 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हो। मैंने इसे ओवन में 180 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। तो ये देखिए 30 मिनट्स के बाद ये परफेक्ट बेक हो गए थे। जैसे हम इसे ओवन में से निकालेंगे ना, तुरंत ही आपको इसमें बटर या तो फिर ऑयल जो भी आपके पास हो उसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है, और कपड़े से, कॉटन के कपड़े से या तो फिर नॉर्मल जो भी आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो उसे इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है और इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधे घंटे हो गए हैं और हमारे जो पाव है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बन है वो बन के रेडी है। तो ये देखिए आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए इसका स्पंजनेस कितना सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसका, आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना था, और इसकी जो फीलिंग थी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनी थी। तो आप इस रेसिपी को, इस बन को ज़रूर ट्राई करना। तो अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड डो पहले से ही रेडी कर लिया था वो फर्स्ट डो के साथ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ले लेना है पेड़े। पेड़े को जैसे मैंने आपको फोल्ड करने कहा था पहले स्टेप में, उसी तरीके से कर लेना है। फिर काउंटर पे हम इसको डाल लेंगे, मैदे को डस्ट करके इसको ओवल शेप दे देंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे के हिस्से में हम इसको कट्स लगा देंगे इस तरीके से। आपके पास नाइफ है तो आप उसके हिसाब से भी इसमें कट्स लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम इसमें कट्स लगा देंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच भर के चिकन की फिलिंग डाल लेंगे। फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे, पहले आगे से फोल्ड कर लेंगे, फिर इसकी साइडें फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बस इस तरीके से आपको घुमा देना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब कि अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है, कितना अच्छा बना है ये। तो इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो एक ट्रे लेंगे, उसमें भी ऑयल या बटर को ग्रीस कर लेंगे और इसको रख देंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं, ये देखिए। तो इसको भी मैंने 15 मिनट के लिए पहले से ही रेस पे रख दिया था, मतलब कि ये 15 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब इसके ऊपर हम ग्रीस कर देंगे। अंडे की जर्दी करना है आपको तो वो कर सकते हो, या तो फिर आप दूध भी कर सकते हो। इसकी पीली जर्दी आप करोगे तो इससे अच्छा आता है। उसके ऊपर फिर मैं यहाँ पर गार्निशिंग करूँगी। तो ब्लैक और वाइट चिली मैं दोनों यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर करना है तो करिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसे बेक कर लूँगी। तो मैंने प्रीहीटेड ओवन में इसे 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर बेक कर लिया था। सबके ओवन का टेम्परेचर चेंज होता है, तो आपको शायद 30-35 या 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो ये देखिए परफेक्ट 30 मिनट्स बाद ही अच्छी तरीके से बेक हो गया है। तो मैंने यहाँ पर बटर को अप्लाई कर दिया है, ग्रीस कर लिया है। उसके बाद हमें इसे तुरंत ही कवर करके रख देना है आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधे घंटे हो गए हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये अच्छे से ठंडे भी हो गए थे। ये देखिए कितना परफेक्ट बेक हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था। और आप इसकी डिज़ाइन देखिए, कितनी अच्छी डिज़ाइन और कितनी अट्रैक्टिव डिज़ाइन लग रही है। आप किसी भी पार्टी में इसको बना सकते हो, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो ये डबल टेस्टी बना था। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था। हमारी जो ब्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और हमारी जो फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनी थी।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर देना। इस तरीके से मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो फटाफट से जाइए और वहाँ भी मुझे फॉलो करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।